अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी नामा। इंसान जब गलती से नहीं सीखता ना, तो वो इंसान की डेफिनेशन क्या है कि वो गलती से सीखता है, और जो बाकी मखलूकात है वो गलती से नहीं सीखते। इसलिए इंसान ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाता अगर वो नुकसान और गलती को पहचान ले। ये एक भाई हैं बड़े प्यारे, मिडल ईस्ट से, मुल्क का नाम उनका नहीं बता रहा। इन्होंने गलती की है, वो क्या गलती की है वो भी बताता हूँ, और वो गलती आप ना करें। बड़े इस ये मैं ओवरसीज से जी बड़ा प्यार करता हूँ। मैं जब ओवरसीज के पास जाता हूँ, अल्लाह की कसम मैं आपको क्या बताऊँ, ये जितनी चीज़ें टेबल पे पड़ी ओवरसीज गिफ्ट लेके आए हैं, ये उधर दाऊद शर्ट देना, ये शर्ट देना, हाँ हाँ, ये ओवरसीज की मैं बात बता रहा हूँ। कल मेरे पास कौन आए थे, कल मेरे पास जनाब जाहिद साहब आए थे यूएई से। एक छोटी सी आपको मिसाल दे रहा हूँ, ये ओवरसीज की मोहब्बत क्या है मेरे साथ, ये देखें शर्ट पे क्या लिखा हुआ है। मेरी एक मेरे लिए एक शर्ट लेके आया, उस पर मेरा नाम, मेरी तस्वीर शाहीन बना हुआ है, और एक छोटा सा चाबी चैन लेके आए। मतलब ये लोगों की मोहब्बत है। ये मैं आपको इस और भी इसके साथ जो और चीज़ें थी, परफ्यूम वगैरह थे, वो मैं घर ले गया। इस तरह मोबाइल आते हैं, वीज़े आते हैं, वीज़े लोग भेजते हैं, खर्चा भेजते हैं, यार इतनी मोहब्बत करते हैं। फिर जब वही ओवरसीज पाकिस्तानी अगर कोई गलती कर रहा हो और फंस जा रहा हो और उसके साथ कोई ज्यादती हो रही, मुझे नहीं बर्दाश्त होता, मुझे दुख होता है। देखिए मैं एक सिंपल सी बात हूँ, आप मैं सोसाइटी को नहीं रोक सकता, मैं सोसाइटी को कुछ मैं आपके लिए लड़ नहीं सकता सोसाइटी से, मैं आपको समझा सकता हूँ। मैं माफिया के साथ नहीं लड़ सकता मेरे प्यारे भाई, मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ कि आप क्या करें। मैं इनबॉक्स करके व्हाट्सएप पे आपको ये बता सकता हूँ कि आप ये चीज ना लें, वो तो मैं कर रहा हूँ ना, लेकिन मैं वीडियो में नहीं कह सकता कि ये सोसाइटी में प्लॉट ना लें। अब हुआ क्या जनाब, बड़े प्यारे भाई अल्लाह इनके हिफाजत करें मालो जान की, अभी अपनी हिफाजत नहीं चाहते, हम क्या करें। अब एक बंदा खुद छाल मारे कि मैं बात जाऊँ नहीं, इनका जी मैसेज आया और मुझे बड़ा दुख इस चीज़ का है कि पता नहीं ये लोग क्यों ऐसा करते हैं, ज्यादती करते हैं। मुझे इनका एक बड़ा प्यारा मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम, मैं वालेकुम सलाम। इन्होंने एक सोसाइटी का नाम लिखा और उसने लिखा कि इस सोसाइटी में मैं प्लॉट लूँ। मैंने इसको कहा आप मुझे, मैंने जो जवाब दिया कि आप मुझे फॉलो करें थोड़ा सा ताकि आपको रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट समझ आ जाए, और मैंने कहा मैं थोड़ा सा, फिर मैंने इसको रिप्लाई नहीं किया, बिजी था एक दो दिन बाद। अच्छा दो दिन बाद, जब तीन दिन बाद मैंने उसको मैसेज किया कि अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं, सर मैंने कहा अगर आप बजट वगैरह बता दें तो हम आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट बता देते हैं। इसने क्या मैसेज किया, आए आपको दिखाते हैं जनाब, योर रिप्लाई मी टू लेट, इट्स डन ऑलरेडी। कि जनाब तुसी ते बड़ा लेट रिप्लाई कीता ते मैं ते कम कर लिया ते मैं ते जी बड़ा बिलियनेयर बंदा वा, उथे शेख हमदान मेरा ना है, मैं बड़ा बिजी होना तुहाड़े कोल नहीं सी टाइम इस्माइल साहब, ते मैं ते लै लिया प्लॉट, आई एम बिलियनेयर, ओके इट्स नो प्रॉब्लम। देखिए जी सिंपल सी बात है, मेरी जान, मेरे मखनों, मेरे छकनों, और मैं बड़ा प्यार करता हूँ, मुझे ओवरसीज बड़ी इज्जत देते हैं, मुझे बड़ा दुख है इस चीज़ का। मैं बड़ा दुख था कल, मैंने कहा मैं वीडियो बना के जरा अपने दुख का इजहार करूँ। पाँच उंगलियाँ बराबर नहीं होती, 90% लोग अल्हम्दुलिल्लाह मानते भी हैं बात, इस तरह 5% आ जाते, मैं चाहता हूँ ये 5% भी ना हो। अल्लाह की कसम अगर ये प्लॉट जहाँ जिस सोसाइटी में वो चार हाथ था, मैं उसको वो प्लॉट दे सकता था उसी टाइम, उसको कहता पेमेंट भेजो फाइल ले लो, लेकिन मैंने नहीं बेचा। जुमे का दिन है, जुमे नमाज पढ़ गया हूँ, मैंने नहीं बेचा। क्यों, मुझे वो सोसाइटी नहीं पसंद। क्यों नहीं पसंद, मुझे वो फर्क लगती है उसकी लोकेशन या दो नंबर लगती है, मैंने नहीं दिया इसको प्लॉट। अगर मैं वो प्लॉट देता, इसकी करोड़ों की जो इन्वेस्टमेंट है, इसने दो प्लॉट वहां खरीदे, मैंने कहा भी कि सबर करो, फिर भी इसने वहां जाके खरीदे, मैंने कहा वो अच्छी चीज होगा, इसने दो प्लॉट के ऊपर मुझे अच्छा खासा कमीशन आ जाता, क्या वो कमीशन मैं नहीं ले सकता था। इसने वहां गया, अब उस बंदे ने भी लाना जिसने इसको ये प्लॉट दिया, इसने तो देखिए आप जारी बात है, आपको पता है एक चीज गलत है, आप उस बंदे ने इसके साथ ज्यादती की, लेकिन इसको ये तो समझ आ जानी चाहिए थी कि मैं इस्माइल ने मुझे कहा है कि ये ना लो, सबर कर लो। अब बात असल में वजह क्या है, असल में लोग ये समझते हैं कि खान साहब जो है ना इस्माइल साहब, ये छोटे मोटे डीलर ने वीडियो बनाने में फर्क जो बंदा है, कोई नजदीक थोड़ा सा कैमरा लिया ना, क्या फर्क जहा बंदा है, कभी क्वेटा अटल बैठा होना, कभी एंज गप्पा मार है, कभी शलवार पाई, कभी कमीज पाई, कभी उल्टे बूट पाए, अल्लाह दे बंदे हो मेरी प्रोफाइल हो तुसी समझो। देखिए जब तक आप इंसान की वैल्यू नहीं समझेंगे ना, आप उसकी बात पर असर नहीं करेंगे। जब
आपको पता लगता है ना कि ये जो जब आपको पता लगता है ना कि ये वजीर है आपका, आप उसकी बात में अमल करते हैं। जब आप कहते हैं महल फारा जो लड़के वो पावे हदीसा कौन सुना रहे हैं ना, आज लोग ये नहीं देखते कि बात क्या हो रही है, आज लोग देखते हैं बात कौन कर रहा है। जबकि आपको ये देखना चाहिए कि बात ठीक है या गलत है, आप ये देखते हैं किसके मुंह से निकल रही है। भाई जी मैं आपको सिंपल सीख देता हूं, मैं तब से रियल स्टेट में काम कर रहा हूं जिस टाइम आज के रियल्टर उस टाइम घरों में बैठ के स्कूल की बस्तें पहन के जाते थे। मेरी उम्र 27 साल है लेकिन मैं जनाब समझो कि अम्मा दी गोद तू रियल स्टेट वाला काम कर रहे हैं, समझियो 27 ईयर एज है, 4 से 5 साल का रियल स्टेट का एक्सपीरियंस है। अल्लाह के फजल से इस 3 साल के आखिरी टाइम टफ टाइम में इस टाइम प्राप्तिनामा ग्रुप ये जो कमर्शियल प्लाट है ना इसकी वैल्यू आप बैरियर टाउन से आके मालूम कर लें, ये 400 मिलियन वर्थ का प्रोजेक्ट है। ये मेरा जाती है उमर हाइट 800 मिलियन 800 मिलियन का प्रोजेक्ट है, वो मेरा प्रोजेक्ट है। मुझे पैसा कमाना भी आता है और पैसा लोगों को भी कमा के देना ना आता है। अडयाला रोड के ऊपर प्रोजेक्ट हुआ, डिलीवर हुआ, आपने देखा वो किसने कैसे मार्केट किया और किसने बेचा आपको पता है। मरी में जो भी मैं प्रोजेक्ट करने जा रहा हूं 3 कनाल 12 मरला मरी एक्सप्रेस वे के ऊपर जमीन पर मरला 25 लाख रुपया मरला है साहब मारो, चलो जल्दी कैलकुलेटर रहो 25 लाख रुपया जरबे 3 कनाल 12 मरले होता है 72 मरले क्या वैल्यू है 21,25,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 18 करोड़ रुपए का प्लाट है। वो किसका प्लाट है ये मेरी वीडियो पूरी देखे, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कोई तकबर नहीं कर रहा कसमें। अच्छा एक सेकंड मैं आपके लिए पासवर्ड ही बोल रही हूँ लाकर का। ये जो बातें ना असल में वैल्यू तब समझ आएगी आपको, बात तब समझ आएगी आपको जब आपको पता लगेगा कि खान दी वैल्यू के सानू गल मरनी चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं खान फ्राडी है, खान फ्राडी है। ये मरी का जो मैं प्रोजेक्ट लिखा हूं 1,25,00,000 का प्रोजेक्ट है। मेरी शक्ल से मुंह ना जाया करो, काम पे जाओ भाई जान, मैं खुद पैसा कमा सकता हूँ तो आपको कमा के दे सकता हूँ। मेरे व्हाट्सएप पे मेरी टीम के मेरे स्क्रीन शॉट देखें कि मैंने लोगों को कैसा पैसा कमा के दिया इधर आए। बाकी ऊपर छोड़े क्या लिखे ने जी मोहम्मद इस्माइल वल्द समझी क्यों इधर आ जाए जमीन भी दिखाऊ ना, बाकी डिटेल तो नहीं दिखानी होती ना ज्यादा सी जी जी। 3 कनाल क्या लिखे ने 3 कनाल कहां पर इधर है मरी जिला रावलपिंडी लकोट जिसकी है मेरे नाम जमीन की वैल्यू 18 करोड़ रुपए है। अगर मैं 27 साल की उम्र में ये इतना अल्लाह ने मुझे दिया है तो ये 2 नंबरी से नहीं दिया, ये मेहनत से दिया। और मार्केट में हजारों ऐसे लोग बैठे हुए जो पिछले 15-15 साल से काम कर रहे हैं, हमारा अल्लाह ने हाथ इसलिए पकड़ा है कि हमारी नीयत ठीक है। आप अपनी नीयत ठीक करें ताकि आप भी पैसा कमाएं, ठीक है ना। आप बात माना करें, मैं आपको एक टाइम के ऊपर एक और बात करता हूँ। डॉक्टर आपका इंतजार करते हैं या आप डॉक्टर का करते हैं? आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हैं या आपसे डॉक्टर अपॉइंटमेंट लेता है? सर अगर मैं एक दिन लेट रिप्लाई कर दूं तो आप ये समझा करें कि भाई जान ये जरा बंदा रिप्लाई कर रहा है उम्मा लेज वेला को कुल्फियाँ नहीं बेच रहा, एक ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालक है, मल्टी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, प्रॉपर्टी फरोश, प्रॉपर्टी नामा, इसके अलावा 2-3 और कारोबार ने जो सीक्रेट ने ये कारोबार कर दे पे, ये किसी तको थले चुकाओ, ये जो खलतियाँ ने है कुछ पर्दे कुछ बगैर पर्दे ये चुकाओ। समझ आ गई ना? जब आपको वैल्यू मेरी पता लगेगी फिर मेरी बात में आपका असर होगा। इसलिए मेरी वैल्यू आप स्टडी करें मुझे मैं कौन हूं, फिर आपको मेरी बात में असर होगा। आप दूसरी बात बता दें मैंने इसको क्या रिप्लाई किया इस बंदे को। मैंने कहा जब उसने कहा कि मैं तो कर ली थी अपनी मर्जी प्लॉट ले लिया, मैंने कहा जल्दबाजी आपको ले डूबेगी, यू विल अंडरस्टैंड माई मैसेज वेन यू नो हू आई एम। मैंने कहा आपको मेरी बात तब समझ आएगी जब आप मुझे पहचान लेंगे कि मैं कौन हूं। फॉलो द अबव चैनल टू अंडरस्टैंड माई ग्रिप ऑन रियल स्टेट। मैं ये चैनल सब्सक्राइब कर तन समझ आए कि मेरी ग्रिप क्या है रियल स्टेट में। फिर मैं लिखा आई एम रियल स्टेट डिवेलपर ओनर ऑफ मल्टी बिलियन मल्टीपल रियल स्टेट प्रोजेक्ट। फिर मैंने उसको एक और मैसेज किया जो कि चुभता हुआ सवाल है कि ओवर स्मार्ट इन्वेस्टर्स ऑलवेज सिंक देयर मनी। जो ओवर स्मार्ट होता है ना वो हमेशा
पैसे डुबा देते। फिर आगे मेरे को पूछा वजह क्या है, वजह, फिर मैंने कहा वजह तुम हो, वजह फिर तुम ही हो, तुमने अपनी वजह से किया, रिप्लाई नहीं किया। बात ये 3-4 लाख रुपए मुझे कमीशन मिलता ना सुकून से, ये भी बैठा होता, मैं भी बैठा होता, लेकिन ना तो मैंने वो पैसा कमाया ना वो डील किए, और ऐसे में हज़ारों लोगों को दिन को रिजेक्ट करता हूँ, और जिनको मैं कहता हूँ कि आप मेरी मान लें वो, या आप अपनी मर्ज़ी कर लें, ऐसे आप बहुत सारे लोग आते हैं जो अपनी मर्ज़ी करते हैं। देखें दूसरी बात पता है क्या है कि आपने पैसा कमाना है, पैसा कमाना आपकी ज़रूरत है, यू हैव टू वेट फॉर अस, आपकी ज़रूरत है पैसा, मेरा पैसा कमाना ज़रूरत नहीं है, ये ना पे है ना, ये तो साथ नस्ल खा सकती है, नल्ला देव बंदे हो, आपकी ज़रूरत है, प्लॉट लेना आपकी ज़रूरत है, प्लॉट से पैसा कमाना आपकी ज़रूरत है, आप अपनी ज़रूरत के लिए अगर मेरा 1 घंटा 2 घंटा इंतज़ार नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी कमकली है, 2-3 दिन इंतज़ार नहीं कर सकते, कमकली है, और ये इस बात का सबूत है कि मेरे ऊपर लोड है। वेला डॉक्टर को बगैर अपॉइंटमेंट जाने, अच्छे डॉक्टर गुरु 3 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेने, तो जनाब मौत पैंती है 1 घंटा लेट मैसेज करते। भाई जान सिंपल सी बात है, 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती, बहुत प्यार करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, बहुत लव रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी आते हैं जो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। इसने कुल्हाड़ी मारी अपने पाँव पे, मुझे क्या नुकसान, करोड़ों रुपया मुझे क्या नुकसान है, अगर मुझे 1 रत्ती बराबर नुकसान हो अल्लाह की कसम मैं आज जो जुर्माना देते हैं मैं लेने को तैयार हूँ। और इस सोसाइटी में जिस जांच ने प्लाट लिया मैं नाम नहीं बता सकता, उसको नाम पता होगा जो मेरी वीडियो देख रहा है, उसको तो पता है, तो पता लग गया ना, मैंने आपको कहा कि तू ना ले प्लाट, ओवर स्मार्ट जी, यू रिप्लाई मी टू लेट, ओ मैं क्यों लदेव शेख हमदान साहब नहीं, मैं डीपीजीपी साथ मारी, मैं नंबर साथ गिरता, मैं अपने दुबई दोस्तों नंबर भेजे, मैं कहीं शेख हमदान के नहीं गिर रहे बंदा, मैंने कह नहीं है वह नहीं लोकल जहाँ बंदा लाग रहा है। देखें आप चाहे जितने मर्जी बिजी होना, पैसा आपका ज़ाया होना है, पैसे के लिए आप वेट किया करें, और अच्छी चीज़ हमेशा थोड़े से डिस्कशन के बाद मिलती है, पहले सेकंड में रिप्लाई में कोई चीज़ नहीं मिलती। ये मेरा तरीका कार है कि जो लोग मुझे रब्ता करते हैं मैं अपनी टीम को कहता हूँ उनको पूरा गाइड करते हैं, फिर उस बजट में मैं अपने एक फार्मूला ऐसे गंदा सा डॉक्टर का फार्मूला पता है ना ऐसे लिख देता हूँ, बस मेरे लड़के को समझ आ जाती है कि मैंने इसको क्या देना है, ये मेरा फार्मूला है। तो ये आप मेरे जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब खुदारा वो किया करें। ये यूके का मेरा यूएस का वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ, यूएसए का वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ। आज के लोग अपने भाई को यूएसए नहीं बुलाते, मुझे मेरे क्लाइंट्स बुलाते हैं, इससे कोई प्यारी बात है, यूके मुझे मेरे क्लाइंट्स बुला रहे हैं। दुबई में जाता हूँ मेरा कोई खर्चा नहीं, एयरपोर्ट से लैंड लैंड क्रूजर प्राडो पता नहीं कि गड्डी में लैंड आ जानी, ये उस इज्जत का उस मोहब्बत का धोखा मुझे कि ये लोग जाती अपने साथ खुद कर रहे हैं। मेरे भाई फॉलो करें, मुझे सब्सक्राइब करें, और कोई भी चीज़ ना खरीदें लेकिन मेरी बात माना करें, हैं कोई भी चीज़ ना खरीदें लेकिन बात ज़रूर माना करें। और दूसरी चीज़, आप इंतज़ार करेंगे तो आपको चीज़ मिलेगी, हीर रांझे का इंतज़ार करता रहा, लैला मजनू का करता रहा, तुम भी किसी न किसी का इंतज़ार तो कर रहे हो सना, एंड तुम इंतज़ार करो तुम पैसे मिल सन, आप बैल मुझे मार वाली कहानी ना बने, और आप जितने मर्जी अमीर हैं सर आप ओवरसीज पाकिस्तानी कसम से बहुत मुश्किल से पैसा कमाते हैं, मैं जाता हूँ दुख होता है, बड़ी मुश्किल से आपने हार्ट अर्न मनी है तो तुम वीडियो तक दे, आपको कौन पसंद है, आप कहते हो इस्माइल के बजाय कोई खूबसूरत सी लड़की ऐसी खड़ी और ऐसे बालों में ऐसे करे और वो मेरे साथ बात करे। खान साहब जो मेरे और दोस्त हैं सब देखने वाले, आप कभी मेकअप कभी पार्लर से आपने इंजेक्शन लगवाया नहीं लगवाया, पार्लर से इलाज नहीं कराते, इलाज कराते हैं डॉक्टर से, इस तरह प्रॉपर्टी लेते हैं कंसल्टेंट से, अच्छे कंसल्टेंट से, ठीक है ना। ये काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रो हमें जिंदा रहने दो, हमें जिंदा रहने दो ए हुसन वालों, तो फंदे च ना फसो कालियां जुल्फाएं, तुम कुछ कर भी नहीं सकते, उन्हें शादी ब्याह कितने और चली जानी, तुहाड़ा प्लाट नहीं मिलन लगा। ये जरा अज जो बेचारे अजकल तुम पता है बेचारे सारे सन फोन आते हैं, खुश हो जाने दो चार मोहब्बत दिया गल्ला कर, क्यों जैम साहब बिल्कुल जेम साहब उन्हें कहते कि एक्सपो गए सन, कहते जी बड़ा मजा आ गया जी एक्सपो, सारे उन्होंने कॉल शॉल करते फिर तुम प्लाट ला लो, और भाई जान मैं लोंडा वहां मैं सोना नहीं है लेकिन मेरी गल्ला याद रखा करो, तुम पैसे कमाने तुम पैसे कमा के दे सा, लाइटर गपशप चलती रहती है, माइंड नहीं करना, जरा माइंड करता है उन्होंने अल्लाह हिदायत देवे। तो ये हमारी आपसे मोहब्बत है, आप भाइयों से गपशप है, इंशाल्लाह मेरी बात माना करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, और अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। और ये जो मेरा दुख था वो मैंने जी आपसे शेयर कर दिया, उसके साथ आखिर में मैंने वैसी आपके साथ गपशप लगाई, ना जुल्फों में इन्वेस्टमेंट करें ना कहीं और इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट करें तो प्लाट में करें, और प्लाट उससे नहीं जिसको पता है कि प्लाट क्या है। और एक बात याद रखा करें, जब बीमार है ना वो डॉक्टर नहीं है,
ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਮ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇੰਝ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸਰ 3 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ ਆਪ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 500 ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਸੀ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 500 ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇ ਇਹ ਇਤਨੀ ਹਮਾਕਤ ਆਪ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਉਸ ਬੰਦੇ ਸੇ ਜਾਂ ਉਸ ਲੋਕੋ ਸੇ ਪਲਾਟ ਲੇਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕੋਲ ਯਾਰ ਆਪਕੀ ਵਰਤ ਕਿਆ ਆਪ ਜੋ ਆਪਕੀ ਕਿਆ ਵਰਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਕੋ ਆਪਣੀ ਵਰਤ ਬਤਾਏਂਗੇ ਮੇਰੀ 25,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਹੈ जैसा कि गंजे से कंघी खरीद लेनी हाँ गंजे से कंघी कौन खरीदेगा गंजे से कोई हायर मेरा दोस्त चौधरी आप साहब साहब एयर ट्रांसप्लांट कराएंगे कहने वो डॉक्टर साहब मैं तक डॉक्टर आप गंजा मैं कह आप गंजे मेरा हायर ट्रांसप्लांट कैसे करेगा वो वापस आ गए तो तुम इन चक्कर ना पिया करो गपशप पाए ये गपशप बिल्कुल जरूरी है जिंदगी जनाब इंजॉय करने है लाइफ नू लेकिन जो काम की चीज है जहां काम है वहां काम जहां से काम करवाना है वहां पर आप सीरियस होकर देखा करें बंदा कौन है ठीक है जो बंदा मेहरान के ऊपर एक आपको कहता है मैं आपको करोड़ों कमा के दूंगा तो वो खुद क्यों नहीं करोड़ों कमा लेता सर ये एक साइंस है इस साइंस को समझें मुझे फॉलो करें इंशाल्लाह ऐसे जो भाई गलतियां करते हैं आपसे रिक्वेस्ट है कंसल्ट किया करें प्रॉपर्टी नामा ग्रुप से कंसल्ट करें हमें फॉलो करें ताकि आप ऐसी गलतियाँ ना कर सकें और ओवर स्मार्ट ना बने स्मार्ट ठीक है ऐ स्मार्ट लग रहे हैं आज में ओवर स्मार्ट नहीं बनना और मेरी बातें जो है वो अक्सर लोग ये समझते हो कि मैं ईगो करता हूँ मैं जी बड़ा तकब्बुर वाला हूँ अल्लाह का फजल है नहीं जी मैं डेली रात को एटा होटल तक चाय पीना मैं साइकिल से दफ्तर आना जाना साइकिल पीछे हो साइकिल टिका यार मेरी साइकिल टिका उस मेरी ये जी मोटरसाइकिलों में ग्रीन मोटरसाइकिल में खड़ी ये साइकिल मेरी ये मेरी औकात है ये मेरी औकात है इतना 2017 तक मेरे पास ये वाला मोबाइल था ये मेरी औकात है इसलिए मैं अपनी औकात नहीं भूलता ठीक है ना मैं जी बड़ा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा अक्सर फारग लोगों को चुभूंगा जो अच्छे लोग हैं उनको नहीं चुभता लेकिन जो फारग लोग हैं उनको मैं चुभता हूँ जिस जिसने जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट की है अपनी फाइलें उठा के ज़रा देख लें इंशाल्लाह आपको समझ आएगी कि आपने क्या किया पैसा मुश्किल से कमाते हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार किया करें अच्छी चीज़ के लिए और हमें फोर्स ना किया करें हमारे साथ बदतमीजी ना किया करें हमारे साथ बदमाशी ना किया करें क्योंकि आपकी बदमाशी कुछ नहीं हमें लेकिन आप क्या जब आप बदमाशी करेंगे आपको पैसा डूबेगा समझ आएगी आप प्यार से बात किया करें आप मोहब्बत से आप इंतज़ार किया करें आप ये एक बात याद रखें उस्ताद कभी भी उस शागिर्द को कभी भी वो हुनर नहीं देता जो सर उठा के बात करता है समझ आएगी इसी तरह पैसा लगा रहे हैं आप मोहब्बत से बात करें खुल के बात करें क्या सर मेरा ये पैसा लगाना है मुझे बताएं मैं क्या करूँ अल्लाह की कसम ऐसे मशवरे देंगे आप याद रखेंगे बदमाशी करेंगे ये करेंगे ओवर स्मार्ट बनेंगे ज़्यादा इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे तो बुधरों फिर काम ख़राब हो जाती अपना ख्याल रखें मोहम्मद इस्माइल को दें इजाज़त मना करो गल्ला और बा अदब और बा नसीब इसमें एक बात कहूँगा सर कि दो साल बंदा पैसा कमा के तो उसको लगाने में दो दिन अगर वेट कर ले तो उसका पैसा सही जगह पे लग जाए तो उसी करोड़ों रुपया कमाने में 10 साल तुम्हारे लग जाने उसको फिर 2 घंटे में आप कैसे लगाएंगे पैसा कमाना मुश्किल काम नहीं उसको लगाना मुश्किल काम है पैसा सबके पास है लेकिन उसको 40 करोड़ बनाना मुश्किल काम है ये मैंने जो प्लॉट लिया था ना उस टाइम मैंने उस रेट पे लिया था कि जिस टाइम आपने मनी नहीं ये तो 70 लाख रुपए का 5 मरला प्लॉट होता था पिछले साल मैंने वीडियो बनाई इधर मेरे से 70 लाख में ना वो पीछे 5 मरला प्लॉट होते थे लोगों पता है क्या लोगों के खान पागल है जी मंजन बेच रहा मैंने 2-3 सोसाइटियों के इशारा किया मैंने कहा उधर कमर्शियल के बजाय कमर्शियल ले लो 70 लाख का आज वो प्लॉट 1.80 करोड़ है और जहाँ आपने अपनी मर्जी से लिए माशाल्लाह -50 लाख इस टाइम थोड़ा 10-10 लाख सारी फायदा माइनस है गला मनिया करो उम्र छोटी है इन्हें तक क्या करो कि उम्र जी क्या करो सैदाली बना लें क्या करा कम तक क्या करो मेरा इंजेक्शन मेरे को अच्छे वाले लगवाओ ताकि सेहत मिले थोड़े पैसा उपरे अपना ख्याल रखो जी मैं बड़ा थक गया रोटी टाइम हो गया जी रोटी खाइए बदाम शदाम खाना दिमाग मेरे थोड़ा जा बहुत कमजोर हो गया थोड़ी वे अल्लाह तुम खुश रखे लव यू टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़